हाँ स्पीकर परंपरा के अनुसार इस्तीफा देंगे। परंपरा पहले तो उनको इनको हटाना पड़ेगा संख्या बल के आधार पे, वो संख्या इनके पास नहीं है ऐसा हमारा विश्वास है। वोटिंग कराएंगे होगा क्यों नहीं होगा? उससे क्या फर्क पड़ता है, उस प्रस्ताव पे पहले अभिभाषण होगा उसके बाद उनका प्रस्ताव लिया जाएगा, उस प्रस्ताव पर वोटिंग होगी, वोटिंग में जो हमारे माननीय स्पीकर हैं वो जीतेंगे और ये जाएंगे। स्पीकर तभी आसन छोड़ेंगे जब आप कह रहे हैं कि मतदान से ये साबित हो जाएगा। नेचुरली यही प्रक्रिया है। अरे अरे भाई प्रक्रिया दोनों तो होती है, एक कन्वेंशन होता है एक सामने साक्ष्य प्रमाणित होता है, तो कई जगह ऐसा होता है। तो यहाँ 122 का आंकड़ा इनको लाना पड़ेगा फ्लोर पर गिनती के आधार पर जनता दल यू और भाजपा को। लेकिन संवैधानिक संकट की स्थिति भी ऐसी में होगी आपको लगता है? हर संकट का सामना किया जाएगा फिर।